हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हर एक जन इस सुबह के समय में, इस सुंदर समय में, खूबसूरत सुनहरी सुबह के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करे। हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करे उसकी भलाई के लिए, उसके प्रेम के लिए। परमेश्वर ने हमें हमारे जीवन में एक और नया दिन दिया है, एक और नई खूबसूरत सुनहरी सुबह दी। परमेश्वर का धन्यवाद करे। हमारा परमेश्वर जो अनुग्रहकारी है, जो दयालु है, जो अवेला हमसे कोप करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर पिता आपके आगे प्रार्थना करते हैं, जितने भी जन इस समय प्रभु जी आपके हजूरी में आपके साथ कनेक्टेड है, प्रभु जी आपके सम्मुख बैठे हुए हैं, आपके साथ संगति कर रहे हैं। परमेश्वर आज एक एक की प्रार्थना आप सबको प्रभु यीशु राजा ग्रहण योग्य ठहरने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना निवेदन करते हैं। प्रभु जी जितने लोग अपने धर्म के बलिदान आपके सम्मुख चढ़ा रहे हैं परमेश्वर, विश्वास के साथ पिता परमेश्वर, जो लोग अपनी जीवन में अपनी भलाई को याद करते हैं, आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ा रहे हैं, आज के दिन के लिए चढ़ा रहे हैं, आज की खूबसूरत सुबह के लिए चढ़ा रहे हैं परमेश्वर, आपको धन्यवाद का बलिदान आज पिता परमेश्वर, वो आपके हजूरी में महिमा योग्य ठहरे। हालेलुया। वो आपके हजूरी में से पिता परमेश्वर अपने जीवन की हर एक जो ब्लेसिंग उनके लिए आपने ठहराई है, आज पिता परमेश्वर जो लोग धन्यवाद का बलिदान चढ़ा रही हैं, आज अपने जीवन में, अपनी लाइफ में, अपने हिस्से की हर ब्लेसिंग को, हर गवाही को, जो डिले का आत्मा है, आज हर एक डिले उनके जीवन से जा करके वो आज अपनी गवाहियों को, अपनी ब्लेसिंग्स को, अपनी आशीषों को आज अपने जीवन में ग्रहण कर रहे हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हमारे प्रभुओं के प्रभु और राजाओं के राजा परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। हमारा परमेश्वर जो हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर, उसका धन्यवाद करें। जो हमारे जीवन में हमें हर प्रकार की शांति देता है परमेश्वर, उसका धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो तेजोमय है, उसका धन्यवाद करें। परमेश्वर ने हमें अपने अनुग्रह से बुलाया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारा परमेश्वर महान परम प्रधान परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हर एक जन धन्यवाद करें। हमारे परमेश्वर के वचन सच और वफादार है, इसलिए परमेश्वर का हर एक जन धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में से हर एक गलती को क्षमा करने वाला परमेश्वर है, अपराधों को मिटा देने वाला परमेश्वर है, पापों से आजाद करने वाला परमेश्वर, इसलिए हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करे। हमें क्षमा करने वाले परमेश्वर का हर एक जन आज धन्यवाद करे। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा परमेश्वर जो है वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। यदि हम परमेश्वर में बने हैं, अड़े और खड़े हैं, तो यदि हमें कोई कुछ कह दे, हमें कोई बुरा बोल दे, तो हमारा परमेश्वर उसके लिए हमारे लिए क्या करते हैं, जलन रखते हैं। हम परमेश्वर का वचन कहता है कि बदला लेना परमेश्वर का काम है, इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम धीरज बना के रखो और विश्वास बना के रखो कि परमेश्वर ने हमें जो वाचाएं दी हैं, जो वायदे की हैं, परमेश्वर उन्हें हमारे जीवन में पूरा करेंगे ही करेंगे। इसलिए आज हर एक जन अपने विश्वास को मजबूत करें। अगर आप चिंता में, अगर आप आज भी घबराहट में हैं, आज भी आपके जीवन में अशांति है, कर्जा है, आज भी आप कोर्ट केस में हैं, आज भी आपके जीवन में, आपके घर में श्राप काम कर रहे हैं, तो आज आपको प्रभु यीशु के ऊपर अपने विश्वास को बना करके रखने की ज़रूरत है, प्रभु का अपना विश्वास दिखाने की ज़रूरत है। थैंक यू जी। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर के बड़ी महिमा को देखोगे, और यदि हमारा विश्वास जो है वो मजबूत है, तो परमेश्वर कहते हैं कि अगर आपका विश्वास ही जो है आपके जीवन में हर एक गवाही को उत्पन्न करता है, आपके जीवन की हर एक ब्लेसिंग को आपकी ओर खींच के लेके आता है। परमेश्वर के वचन में साफ स्पष्ट लिखा है कि बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। ठीक उसी तरह कि जैसे जैसे अब्राहम ने परमेश्वर पर ऐसा विश्वास किया, परमेश्वर की हर एक आज्ञाओं को वो मानता था, जिस तरह से परमेश्वर उसे आज्ञा देते थे, परमेश्वर उसी तरह, ठीक उसी तरह जिस तरह से अब्राहम को परमेश्वर ने जो जो आज्ञा दी, जैसे उसने अपने आप अपना जो विश्वास था उसको परमेश्वर के ऊपर दृढ़ ठहराया, और जैसे जैसे परमेश्वर उसको आज्ञा देते गए, वैसे वैसे ही वो उसी तरह से अपने जीवन में, अपनी लाइफ में वो करता गया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं, इब्रानियों 11 और उसका 8 में लिखा है, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मीरास में लेने वाला था, और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ,
तो भी निकल गया। हालेलुया। देखो अब्राहम का जो था वो परमेश्वर पे अटल जो विश्वास था, जो कभी टल नहीं सकता था, परमेश्वर उसे आज्ञा देते थे कि तुम्हें इस जगह जाना है, और उसे नहीं पता था कि वो जगह जो है परमेश्वर ने उसके लिए ठहराई है, वो उसे परमेश्वर ने मीरास के रूप में देना था, पर परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए उस जगह पे चला गया जिसको वह पहले नहीं जानता था। बस एक परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ही चला गया। उसका जो विश्वास था कि अगर मुझे प्रभु ने आज्ञा दी है तो मेरे लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि सब बातें मिलकर के भलाई को पैदा करती है। और विश्वास से ही सारा ने बुढ़ापे में भी एक गर्भवती होकर के परमेश्वर की सामर्थ्य के जरिए वो उसने क्या किया, एक बच्चे को जन्म दिया। विश्वास से उनका जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास था, उसी विश्वास की दशा में उसने मरे परिस्थिति में भी परमेश्वर ने उसकी उसकी जो मुर्दा परिस्थिति, मुर्दा यूट्रस था, उसी यूट्रस में से मेडिकली अगर हम देखते हैं तो क्या लिखा है कि हर सारा की मरी जैसे मरी हुई परिस्थिति में से भी परमेश्वर ने उसे उसके जीवन में बच्चे की मीरास दी। आज कितनी लेडीज ऐसी हैं जो आज अपने जीवन में एक बच्चे की मीरास को देखना चाहती, आज भी बुढ़ापा हो गया पर उनके उनके जीवन में बच्चा नहीं है। बहुत सारी लेडीज़ हैं जिन्हें सताया जाता है, जिनके बार बार कहा जाता है कि इसका 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 बेबी नहीं है, तो अब उसके हस्बैंड की दूसरी शादी कर दे। और परमेश्वर के वचन को जब हम देखते हैं कि जब हन्ना ने परमेश्वर के भवन में जा करके अपनी दुहाई दी, वो अपने मन से रोती थी। हालेलुया। एक अगर देखा जाए तो एक जैसे उसकी हालत हो जाती जैसे एक नशे में होता है, वैसे वो परमेश्वर के सम्मुख मगन होकर के प्रार्थना कर रही थी। वो इसलिए क्योंकि वो चिढ़ाई गई थी, वो सताई गई थी अपनी सौतन के कारण, तो उसी परमेश्वर पे जो उसका विश्वास था कि मैं परमेश्वर के भवन में जो वो नित्य सर्वदा जाती थी, लगातार जाती थी, वो उसी विश्वास को लेकर के परमेश्वर के भवन में गई और ऐसे रो रो के उसने प्रार्थना की कि परमेश्वर यदि तू मेरे जीवन में मुझे एक बच्चे की मीरास देगा तो मैं वो तुझे दे दूंगी। उसने परमेश्वर के सम्मुख एक वाचा को बांधा। परमेश्वर ने उसके उस वाचा का आदर किया। उसने जो परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का आदर किया और उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। और सारा ने भी जब जो परमेश्वर के सम्मुख अपनी वाचा को बांधा था उसने उसी समय के दौरान पूरा किया, जैसे जैसे उसने परमेश्वर को कहा था कि जब तक वो बच्चा मेरा दूध पिएगा तब तक वो मेरे पास रहेगा और उसके बाद परमेश्वर मैं तेरे भवन में दे दूँगी, उसने वैसा ही किया। और परमेश्वर ने उसके इस वाचा का जो उसने अड़ी और खड़ी रही, उसने परमेश्वर के सम्मुख जब अपने बच्चे को दिया तो प्रभु ने उसको और भी 5 संतान और भी दी। परमेश्वर ने उसे और भी बेटे और बेटियों के साथ ब्लेस्ड किया। आज कितने जन ऐसे हैं जो परमेश्वर के वचनों पर विश्वास तो करते हैं पर उनके जीवन में क्या आता है, इधर उधर की बातें भी आ जाती हैं। उनका जो परमेश्वर की ओर देखने का नज़रिया है वो क्या है, वो आज क्या हो गया है, दूसरों की बातें सुन करके वो अपने गोल से मुड़ गए हैं, गिर गए हैं, भटक चुके हैं। आज हर एक जन वो जो परमेश्वर से दूर है, जो परमेश्वर के वचनों पर पहले विश्वास करते थे पर आज दुख किसी और के कारण वो ठोकर खाए हैं और वो परमेश्वर से दूर चले गए हैं। हालेलुया। आज हर एक जन परमेश्वर के करीब आए। जैसे अगर हम परमेश्वर के वचन को देखें तो वहाँ पर लिखा है विश्वास ही से इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। विश्वास ही से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक एक को आशीष दी। विश्वास ही से यूसुफ ने जब वह मरने पर था तो इसराइल की संतान के निकल जाने की चर्चा की और अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा क्योंकि उन्होंने देखा कि वह बालक सुंदर है और वह राजा की आज्ञा से ना डरे। विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। और पर उसका ये एक विश्वास ही था मूसा का परमेश्वर के ऊपर कि जब उसने उनके आगे एक लाल समुंदर आ गया था, जब उन्होंने रास्ते को पार करना था, वो रास्ता जब तय कर रहे थे तो आगे समुंदर आ गया था, एक विश्वास ही था मूसा का जो परमेश्वर के ऊपर अटल था, तभी तो वो परमेश्वर के साथ क्या एक मित्र के समान आमने सामने बात किया करता था। एक विश्वास ही था
जो उन्होंने लाल समुंदर के पार, लाल समुंदर को इस तरह से पार किया जैसे सूखी भूमि भूमि में हम चलते हैं, सूखी भूमि पे जैसे हम अपने कदमों को लेकर के हर रास्ते को तय करते हैं। विश्वास ही से यरीहो की शहर बना। जब वह 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वह क्या हो गया, वह गिर गई। इसलिए आज हर एक जन अपने विश्वास के साथ परमेश्वर को पुकारे कि परमेश्वर आप मेरे सब कुछ करने वाले परमेश्वर हैं, आप मेरे जीवन में पूर्ण उद्धार देने वाले परमेश्वर हैं, आप मेरे जीवन में चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। अगर आज आपको लग रहा है कि मैं अकेला हूँ, और कई कई बार ऐसा है कि बच्चे ही अपने आप में ये अलग अलगता ही देखते हैं अपने आप को कि मेरे मम्मी पापा जो है वो मेरे छोटे बच्चे भाई बहनों को ज़्यादा प्यार कर रहे हैं या मेरे बड़े भाई बहनों को ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, मुझे नहीं कर रहे। पर ये एक अगर आप परमेश्वर में देखें तो परमेश्वर की नज़र में हम सब एक समान है, माँ बाप की नज़र में भी एक समान है, पर बच्चा जो है वो अपने नज़रिए से देखता है उस समय। तो इसलिए आज हर एक जन अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें और कहें कि परमेश्वर आपने मुझे अपने लिए पालक पुत्र होने का अधिकार दिया है, मैं आपकी संतान हूँ। आज बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं जो जिनके पास बच्चे की ब्लेसिंग नहीं है, बेबी ब्लेसिंग नहीं है, पर वो आज भी उनका परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास है वो मजबूत है। वो चिढ़ाई जाती है, सताई जाती है, पर फिर भी उनका परमेश्वर के ऊपर अटल विश्वास है। जो टलता नहीं है, आज परमेश्वर आपके विश्वास का आदर करें और परमेश्वर आपको ब्लेस्ड करें, आपको परमेश्वर ब्लेस्ड करें। आप जो आपके जीवन की शर्मिंदगी है उसे परमेश्वर दूर करे। आज जितनी भी लेडीज़ अपने बेबी ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर के आगे प्रार्थना कर रही है, गिड़गिड़ा रही हैं, परमेश्वर आज आपकी सुधि ले ठीक उसी तरह जिस तरह से प्रभु यीशु ने हन्ना की सुधि ली थी और परमेश्वर उसे ब्लेस किया था। अगर आज आप भी परमेश्वर के सम्मुख वाचा बांध के प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर आपके विश्वास का और आपकी प्रार्थना का आदर करे और आपकी प्रार्थना को ग्रहण करे और आपको परमेश्वर आज बेबी के साथ ब्लेस करे। बहुत सारी गवाहियाँ आज इसी प्रार्थना के जरिए आने वाली है कि हम प्रार्थना कर रहे थे एक मन होकर के परमेश्वर के हजूर में, हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के साथ कनेक्ट होकर प्रार्थना कर रहे थे, तो आज जब हमने चेक किया तो हमने कंसीव किया है। हालेलुया, आमीन, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। इसलिए आज हर एक जन अपने विश्वास को मजबूत करें क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर हमसे अगप्य प्रेम करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। आज हर एक जन अपने आप को परमेश्वर के आगे सरेंडर करें क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है और परमेश्वर हमें दे करके पछताता नहीं है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आज बड़ी गवाही के साथ आप खड़े हो जाएं, आज गवाही आपके जीवन का हिस्सा बन जाए, वो बेबी की ब्लेसिंग की गवाही आज आपके जीवन में उतरे, हर एक शर्मिंदगी आपके जीवन से उतरे। आप कहें कि प्रभु जी आपने तो मेरी शर्मिंदगी को अपने ऊपर क्रॉस पे ले लिया, कलवरी क्रॉस के ऊपर प्रभु जी आपने मेरी शर्मिंदगी को ले लिया और परमेश्वर मेरी शर्मिंदगी को भी आपने परमेश्वर जैसे लाल समुंदर को दो भाग करके रास्ते को बनाया, आपने मेरी शर्मिंदगी को भी परमेश्वर आज दो भाग कर दिया है और परमेश्वर मुझे जयवंत बना दिया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हर एक जन आज परमेश्वर का धन्यवाद करे, एडवांस में परमेश्वर का धन्यवाद करे कि आपने जो कुछ परमेश्वर से आज तक अपनी प्रार्थना में मांगा है परमेश्वर आज आपको देने जा रहे हैं। आप जिस गवाही का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे परमेश्वर आज आपके जीवन में वो गवाही देने जा रहे हैं। जिस ब्लेसिंग का, जिस प्रार्थना के उत्तर का आप लंबे समय से इंतजार करते आज परमेश्वर आपके जीवन में देने जा रहे हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर हमारी मजबूत चट्टान है, प्रभु यीशु हमारे छिपने का स्थान है, वो हमारा ऊंचा गढ़ है। आज हर एक जन जिसे परमेश्वर की आज ज़रूरत है, जो अपने जीवन में हालेलुया परमेश्वर के कामों को देखना चाहते हैं, तो आपने देखे हैं, आप देख चुके हैं परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में, आज उन लोगों को ये प्रार्थना को शेयर करें उन लोगों के साथ ताकि वो बच जाएं, ताकि वो अपने जीवन में आज गवाही को रिसीव करें, ताकि वो आज अपने जीवन में उद्धार को पाने पाएं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज के समय में जितने लोग भी अपने घरों से बाहर हैं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको छुए। जितने लोग पुलिस की जॉब करते हैं, आर्मी में हैं, फॉरेन में है, अपने घरों से दूर है, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। जितने भी समय आर्मी के
के जवान है जो जो इस समय बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी को दे रहे हैं, परमेश्वर उन्हें वहाँ पर भी टच करे, परमेश्वर उनकी अगुवाई करे, परमेश्वर उनका सहायक बने। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु हमारा क्या है, वो सहायक है, और प्रभु ने हमें अपना पवित्र आत्मा सहायक के रूप में दिया है। आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा जितने लोग अपने घरों से दूर है, जॉब को लेकर के, स्टडी को लेकर के आज अपने घरों से दूर है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा उन्हें वहाँ पर टच करे और उनके जीवन के हर शर्मिंदगी से उन्हें परमेश्वर का पवित्र आत्मा निकाले। जितने माँ बाप अपने बच्चों को लेकर के परेशान है, दुखी हैं, हर चिंता में रहते हैं, परमेश्वर आपकी चिंता को आज अपने ऊपर ले, आज अपनी चिंता को आप परमेश्वर के ऊपर डाले। कहें परमेश्वर हम आप हमें यहाँ तक लेके आए तो आप हमें आगे भी लेके जाएंगे। हम अपने बच्चों का बोझ परमेश्वर आपके ऊपर डाल देते हैं, हम अपने घर का बोझ आपके ऊपर डाल देते हैं, हम अपने फाइनेंस का बोझ प्रभु जी आपके ऊपर डाल देते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। जितने भी लोग अपने बिजनेस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर आपके बिजनेस को सुपर 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 और सुपर ब्लेस करे, आपके जीवन में गवाहियां और ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई होती चली जाए एवरी डे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। थैंक यू जीसस, जिन बच्चों की एडमिशन होनी है, रुकावटें हैं, परमेश्वर हर रुकावट को दूर करके, हर परेशानी को दूर करके एडमिशन का इंतजाम करे, पैसों का इंतजाम करने पाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी आज आपके घरों में परमेश्वर के स्वर्गदूतों का बाड़ा लगे, परमेश्वर आपकी चारों तरफ से रखवाली करे, निगाहबानी करे, परमेश्वर आपका रहनुमा बने, परमेश्वर आपको अपने फजल से भरे, अपनी रहमत से भरे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जितने लोग आज अपने घरों से जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, नहीं तो कुछ नए काम के लिए, प्रोजेक्ट के लिए, आज अपने घर से दूर जा रहे हैं, जॉब के लिए अपने घर से जा रहे हैं, परमेश्वर आपकी अगुवाई करे और आपको हर परिस्थिति में परमेश्वर जयवंत बनाए, क्योंकि हमारा परमेश्वर जयवंत परमेश्वर है। हर परिस्थिति के ऊपर हमारा परमेश्वर की सामर्थ्य जो है वो जयवंत है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आइए अपने विश्वास को और भी मजबूत करने के लिए, बड़ा करने के लिए हम इस बड़ी गवाही को सुनेंगे। मेरा नाम अंजू, मैं फरीदाबाद से आई हूँ। एक साल से दीप्ति दीदी का प्रेयर सुन रही थी, सुनते सुनते मेरे जीवन में प्रभु ने आशीष किया, मैं 100 गज का प्लॉट ले ली हूँ। रजिस्ट्री भी मेरा हो गया, अगले महीने में 8 तारीख को हुआ है, प्रभु का नाम लेके करवाई हूँ, सब काम बढ़िया से हो गया, मुझे कहीं भटकना नहीं पड़ा। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और दूसरी गवाही है, मेरा लड़का इंटर में फेल हो गया था, तो मैं वो दीदी का प्रेयर सुनी, तो मैं बोली कि दूसरी बार फार्म भर, एक बार हिम्मत नहीं हारना चाहिए, कोई बात नहीं, नंबर कम आया था, पास था, फिर भी नंबर कम आया था। तो मतलब दीदी का प्रेयर सुनती थी मैं, फिर प्रभु का बाइबिल पढ़ा, फिर लेके गया, फिर अच्छा नंबर से प्रभु ने पास कर दिए मेरे लड़का को, मैं इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। और उसके बाद मतलब RTI, फिर उसके पास हो गया, RTI में भरा, वो भी पास हो गया, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, पेपर आया। और तीसरी मतलब लड़का आपका पास हुआ था, वो आपके साथ आए हैं? आए हैं, उधर है। क्या नाम है? आकाश। वो मोबाइल पे दिया था, पर इसको लिखने नहीं आता था ठीक से, यहाँ मतलब गवाही दिया था अपने पढ़ाई के लिए, मैं बोली कि दे दो मेरे को, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, पर मेरा लड़का पढ़ा लिखा है तो दिया था। प्रदा जी, आपको जब एग्जाम देना था कैसे तैयारी कर रहे थे और कैसे आपको? वैसे तो मैं बहुत पढ़ता था, पूरे दिन रात पढ़ता था, लेकिन दिमाग में घुसता ही नहीं था, मतलब आधा घुसता था आधा घुसता ही नहीं था। पेपर भी मतलब बहुत मुश्किल से ही दिया था, लेकिन फिर मम्मी ने बोला, फिर मैंने बाइबिल भी पढ़ा, किताब भी पढ़ता था, फिर जो चीज़ें थी मतलब दिमाग में आने लगी, आया तर मतलब एग्जॉर होने लगी, फिर उससे मतलब चीज़ में हाँ मतलब पढ़ता रहता लेकिन दिमाग में घुसता नहीं था ज़्यादातर। हाँ, प्रार्थना सुनने के बाद दिमाग में मतलब आने लगा, हर चीज़ मतलब फीड होने लगी, पेपर अच्छा से गया मेरा दोबारा था। हाँ, दूसरे जितने और बच्चे हैं जो स्टडी करते हैं एग्जाम के लिए, डरते हैं, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे प्रभु उनको भी, उनका भी जीवन बदल सकता है? यही कहना चाहूँगा कि वो लोग भी मतलब प्रभु यीशु का मतलब पढ़ें, बाइबिल पढ़ें, उनकी प्रार्थना सुने, जिससे मतलब प्रभु ऐसे उन पर आशीष बनाए रखें और वो भी मतलब अच्छे सक्सेस हों, अच्छा नंबर लाएं और बढ़िया से पास हों, माँ बाप का नाम रोशन करें। आपको कैसे हेल्प मिला? हेल्प मम्मी की वजह से मिला और इस मसीह प्रभु की वजह से मिला। सुबह शाम की प्रार्थना सुनते थे? हाँ, सुबह शाम सुनता था मैं। हाँ, सुबह शाम सुनता था, पढ़ाई फिर भी थोड़ी कम करता था, लेकिन कम ही पढ़ता था, लेकिन याद हो जाता था वो चीज़, और पहले ज़्यादा पढ़ने के बाद भी थोड़ा याद होता था,
अब मतलब कम पढ़ के भी वो चीज दिमाग में घुस जाती थी। पहले आप, पहले आपके पास जमीन थी, घर थी, कहाँ रहती? नहीं, मैं किराए पर रहती हूँ। मैं गाँव से किराए, चार साल से रहती हूँ। प्रभु ने अब मेरे को एक मतलब एक महीना हो गया, रजिस्ट्री हो गया, 100 गज का प्लॉट ले ली हूँ। 100 गज का अच्छी जगह ली हूँ। हाँ, फिर कब से लेना चाह रहे थे? बहुत दिन से लेना चाह रही थी, जब से प्रेयर सुनी तब से मन में आया। दीदी बोली कि मैंने सबको प्रभु प्लॉट मतलब आशीष करेंगे, आशीष कर रहे हैं। तो मैं प्रेयर में मतलब ऐसे बोलती थी, प्रभु ने मैं किराए पे नहीं चाहती हूँ, अब मेरे को ही आप प्रभु आशीष करें। मेरे मन में ऐसे आता था, आप प्रभु मेरे आशीष पूरा प्लस किए। मैं प्रार्थना कब से सुन रहे हैं? 1 साल से। कैसे पता चला था आपको? ऐसे मैं मोबाइल ली, मौसी का गाना सुन रही थी, मौसी का गाना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, यीशु मौसी का गाना, बस ऐसे अचानक से आ गया। मैं सोची पहली बार कहाँ से आया ये गाना, बहुत प्रार्थना बहुत अच्छा लग रहा था। तब मैं डेली सुनने लगी सुबह सुबह, तो डेली के बाद फिर ऑनलाइन आने लगा। दीदी के दीदी बोली पहली बार मैं हाँ कि अभी आई हूँ ऑनलाइन पे, तो मैं सुबह शाम को सुनने लगी। तो ऐसे प्रभु ने मेरे बहुत चीज़ मैंने जीवन में प्लस किए। मैं छोटा सा बड़ा काम करती हूँ, प्रभु का नाम लेके सारा काम मेरा पूरा हो जाता है। प्रभु को मैं धन्यवाद करती हूँ, कोई भी काम रुकता नहीं है। जाने लगी तो मुझे शांति मिलने लगा, उसके बाद आशीष पढ़ने लगा। मेरा घर वाला का 7,000 सैलरी था, उसमें मेरा प्रभु मतलब पूरा कर देते थे। और उस उतना नॉलेज नहीं था, लेकिन जब दीदी को मतलब प्रेयर सुनी तो मेरे जीवन में सारा नॉलेज भी हुआ। वैसे मैं करने लगी और से प्रभु कार्य करने लगे मेरे जीवन में। दीदी के प्रार्थना सुनने से और समझने से, विश्वास करने से बहुत मैंने प्रभु का आशीष मिला। अब मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। तो मम्मा की जो गवाही है वो बताइए, जो डॉक्टर ने बोला था। हाँ, गए थे हम तो मतलब फिर डॉक्टर ने बोला कि मतलब इसमें इन्फेक्शन हो गया, कैंसर हुआ। ये था कि मतलब ट्यूमर हो, मतलब गिल्टी गिल्टी से निकल आया था, देख लीजिए यहाँ पे। तो दिखाने गए हम, तो पहले तो 4-5 टेस्ट करवाए, उसके बाद बोले इसमें तो कैंसर हो गया, एक बार रिपोर्ट आने दो फिर पता चलेगा कैंसर है क्या है। फिर हमने प्रभु का मतलब प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु ऐसा ना हो, कहीं ज़्यादा दिक्कत हो जाए, कैंसर वैंसर आ जाए, इसकी वजह से ज़्यादा झेलना पड़े, क्योंकि हमारी मम्मी हमारे घर की लीडर इंसान है, सब कुछ चाहिए, तो इस वजह से हम डर रहे थे। फिर मतलब प्रभु ऐसे ने कृपा की, अपनी आशीष बनाए रखी, कुछ नहीं हुआ, मतलब सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई। फिर अच्छे से ऑपरेशन भी हो गया और सब अब ठीक। डॉक्टर क्या बोलता था? डॉक्टर बोलते थे कि इसमें ज़्यादा दिक्कत है, अंदर से दिक्कत, हाँ डराते थे, मतलब हाँ कैंसर है, ज़्यादा प्रॉब्लम है। और प्रार्थना कराने के बाद फिर दोबारा टेस्ट कराया? हाँ हाँ। फिर क्या हुआ? फिर डॉक्टर ने बोला सही है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, हाँ कैंसर नहीं है, सारी रिपोर्ट नॉर्मल है। हालेलुया। और मेरे जीवन में एक साथ प्रभु ने हमारे चारों परिवार को चंगाई दिए हैं। इधर मेरा ऑपरेशन 14 तारीख को हुआ, 17 तारीख को मेरे आदमी कंपनी में साफ सफाई हो रहा था, होली के पहले 18 तारीख को होली था, साफ सफाई हो रहा था। पंखा ऊपर से गिरा मेरे आदमी के सर पे, गिरने वाला था, झुका दिए सर, एकदम बचा लिए। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। एक तार गया था, मतलब घर में बहुत पहले से पड़ा था, किसी को पता नहीं था, उनका मतलब सर झुका दिए, एकदम बचा लिए खड़ा होके, जैसे कोई आप रूप खड़ा होके बचा ला, तो मेरे प्रभु उनके साथ थे, बचा लिए, कुछ भी नहीं हुआ। प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। इनको मतलब मेरा लड़का ये, उसमें तार में लाइट गया था, किसी को पता नहीं था, एक तार गई थी मतलब घर में, मतलब तो पंखा खराब हो गया, तो मैंने सोचा लाओ इसका तार काट के इसमें जोड़ देता हूँ। उस तार में करंट था, मुझे पता भी नहीं था कि उस तार में करंट है, तो मैं कैंची से उसे काट रहा था, जैसे ही मैंने काटा ब्लास्ट हो गया, मतलब दब गया, नहीं तो फिर मुझे कृपा है प्रभु की जिससे मैं बच गया। नहीं तो ऐसा होता है कि कोई को तार काटते हैं लटक जाते हैं, उसमें मतलब करंट मार के एक्सपायर हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन कृपा प्रभु की कृपा से मैं बच गया। मतलब हाँ पूरा करंट था तार में, मतलब जैसे मैंने कैंची लगाया तुरंत ब्लास्ट हो गया, आग निकल गया उसमें से, हाँ इतना बड़ा, मैं तो बिल्कुल डर गया, मैं तो बस प्रभु की कृपा थी जिसकी वजह से बच गया। हाँ
मैं हाँ बिजली किसी के सगे नहीं है। एक हमारे गांव में थे, मतलब उनका टुल्लू पंप होता नहीं मोटर पानी का, वो जा रहे थे तार हल्का सा तार छो गया, वो एक्सपायर हो गए घंटे। हाँ लेकिन प्रभु की कृपा से मैं बच गया। गड्ढा था छोटा वाला, तीन परिवार को तो हो गया, छोटा वाला मतलब गटर बना था, ऊपर से ढक्कन लगा था, वो आ रहा था अचानक में उसको ढक्कन टूट गया, उसका पैर नीचे टूट चल गया और पूरा मतलब टूटा, लेकिन मतलब बराबर से नहीं खांचा, मतलब घटा बढ़ी, उसमें पैर पड़ गया, प्रभु ने उसको भी बचा लिया, जरा सा खरोच भी नहीं आया। नहीं ऐसे गड्ढे में पैर पड़ने से कभी टूट जाता, कभी कुछ ना कुछ हो ही जाता, लेकिन प्रभु ने बचा लिया हमको, चारों परिवार को। हमारे गरा बहुत बड़ा था पर प्रभु ने गरा हटा के हम लोग को बचा लिए। प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ, हालेलुया। प्रेयर से हम लोग को बहुत चंगाई मिला, मैं धन्यवाद करती हूँ पास्टर दीदी को, उनको पूरा टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रभु को मैं लाखों बार हजारों बार धन्यवाद करती हूँ, मेरे जीवन में बहुत कार्य कर रहे हैं, मैं बता नहीं सकती कितना करते हैं, छोटा सा बड़ा चाहे काम होता है, मैं प्रभु का नाम लेके कोई भी काम करती हूँ, मेरा सारा काम पूरा हो जाता है, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, हालेलुया हालेलुया। मेरे को ठंड सर्द में समझ लो कि मतलब अगस्त से मेरा तबीयत खराब था, मतलब सर्दी खांसी यही मतलब था, दवाई ले लेती थी ठीक हो जाता था, अचानक से मेरे सांस में दिक्कत हो गया, मेरे हार्ट में दिक्कत हो गया, मैं समझ नहीं पाती थी कहाँ बीमारी है समझ में, दवाई खाती थी ती बिल्कुल आराम नहीं होता था, यहाँ तक पंप भी लेने लगी तीन बार सुबह शाम दोपहर, फिर कोई आराम नहीं होता। दीदी क्या मैं तो बोली मैं तो यीशु मसीह को मानती हूँ, दीदी को प्रेयर विश्वास करती हूँ, उसके बाद प्रेयर में क्यों नहीं प्रभु से मैं मतलब अपना परेशानी बताती हूँ, फिर मैं लगातार प्रेयर करने लगी दीदी को, मतलब प्रार्थना में बोलने लगी, प्रभु ने ऐसे चंगाई दिया और दीदी बोली कि मतलब अब किसी को पंप लेने की जरूरत नहीं है, जो सुन रहे बीमारी में है मतलब पंप वंप लेना अब किसी को लेने का, जो उसी दिन मैं मतलब बंद कर दी, प्रभु ने मुझे चंगाई कर दिए, प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। अभी भी सुनती हूँ, हाँ एक साल से सुन रही हूँ दीदी के प्रार्थना। जो आपको सांस की प्रॉब्लम थी उस दिन क्या हुआ था कि आप प्रार्थना सुन रहे थे और प्रार्थना पास्टर जी ने जो बोला था प्रार्थना हाँ बोल रहे हैं जिसके जिसके पंप लेना है जिसके बीमारी है आज प्रभु चंगाई देंगे अब नहीं लेना पड़ेगा। तो मैं दीदी को प्रेयर मतलब सुनते सुनते मैं भी करने लगी साथ साथ में, प्रभु जी मेरे चंगा है, मैं बोली कि जब दीदी को मैंने बोली है अब कल आजमाई लेती हूँ तो कल से मैं बंद कर दी, सही मुझे कभी नहीं लेना पड़ा, तब से बंद हो गया हालेलुया। हाँ ना तब से दवाई खाई हूँ उसी दिन से, ना पंप ली हूँ, बिल्कुल चंगी हूँ, आज भी खड़ी हूँ प्रभु के दरबार में गवाही देने, नहीं कुछ भी नहीं होता, मैं जॉब भी करती हूँ सारा काम करती हूँ, मैं बीमारी में भी प्रभु ने मुझे हिम्मत दिए, मुझे ज्ञान दिए, बुद्धि दिए, मैं बीमारी में भी काम की हूँ, 10 दिन बेड रेस्ट ऑपरेशन करवाए, 10 दिन मतलब बेड रेस्ट थी और बाकी सारा काम करने लगी, प्रभु जी मुझे हिम्मत दिए, चंगाई दिए, अच्छे से अच्छी भली हूँ प्रभु की कृपा से। मैं तीन कितने महीने हो गए फरवरी से नहीं खा रही हूँ, हाँ फरवरी से नहीं खा रही हूँ, एक टिकिया दवाई नहीं खाई हूँ, हाँ 4 महीने हो गया। अब मुझे विश्वास है कभी खाना भी नहीं पड़ेगा, जिसके जीवन में प्रभु का आशीष होता है, जिसके जीवन में प्रभु आ जाते हैं ना उसके कोई बीमारी चली जाती है, कोई अंधकार नहीं रहता, हमेशा उजाला रहता, अंधेरे में भी उजाला देते हैं प्रभु, अंधेरे में भी रास्ता देते हैं, हमें इसको विश्वास कर ली हूँ दीदी के प्रेयर सुनने के बाद। पहले मुझे नालच नहीं जाती, मैं जाती थी चर्च में पर मुझे कुछ नहीं नालच था, पर पास्टर दीदी के मतलब प्रेयर सुनते सुनते मुझे बहुत नालाज आया। आप पास्टर सिस्टर के कभी ना नहीं भूलूंगी ऐसे नहीं, प्रभु से मैं रोज विनती करती हूँ, प्रभु मेरे साथ संग रहते हैं, हर काम में मेरा साथ देते हैं, हमेशा रहना, अच्छे काम में मेरा साथ देना, बुरे काम से दूर रखना प्रभु जी, हमको हमारे परिवार को भी, प्रभु का धन्यवाद करती हूँ आप मेरे तरफ से सभी को जय मसीह। हालेलुया।
हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करे इस बड़ी गवाही के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद करे इस अद्भुत काम के लिए जो इनके जीवन में परमेश्वर ने किया है। आज परमेश्वर का धन्यवाद करे क्योंकि हमारा परमेश्वर सच में सब कुछ करने की सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है। हमारी परमेश्वर की सामर्थ्य के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आइए हर एक जन प्रार्थना में आ जाए, अपने घुटनों पर आए, अपनी आँखों को बंद करें, अपने अपने सरों को परमेश्वर के हजूर में झुकाते हुए प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर आपका धन्यवाद करते, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका धन्यवाद करते, एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते सुबह के लिए, इस समय के लिए, इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करते जो आपने हमारे जीवन में ठहराया। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी इस समय परमेश्वर, और जितने लोग प्रभु जी आपके साथ कनेक्टेड है, अपने सरों को आपके सम्मुख झुकाए हुए परमेश्वर, वो ब्लेस्ड ठहरे, वो ब्लेस्ड ठहरे, एक एक जन आज ब्लेस्ड ठहरे परमेश्वर, लोग बचाए जाए, छुड़ाए जाए पिता परमेश्वर। जितनी रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, मुसीबतें हैं प्रभु जी आपके सामर्थ्य नाम से छोड़ के जाने पाए पिता परमेश्वर। हर तरह की प्रॉब्लम से आजाद करे, हर एक तरह परेशानी से आजाद करे, हर तरह की तकलीफ से आजाद करे, हर तरह की दर्द से आजाद करे प्रभु यीशु राजा। जितने भी प्रभु यीशु लोग, जितने भी लोगों के प्रभु जी सर से लेकर पैरों तक दर्द है प्रभु जी, आज आपके सामर्थ्य नाम से छोड़ के जाए। जितने लोग अपनी लाइफ में डिसीजन को लेकर के कन्फ्यूज है, आपका आज आपका पवित्र आत्मा उन्हें छुए और उन्हें हर कन्फ्यूजन से आजाद करे। थैंक यू जी सर, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जी सर, प्रभु जी आप पाप से नहीं, आप पापियों से प्रेम करते हैं परमेश्वर। जितने लोग अपने पापों की माफ़ी मांग रहे, अपनी गलतियों की माफ़ी मांग रहे, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे प्रभु जी यीशु राजा, सच में आज उन्हें आजाद कीजिए, उन्हें क्षमा कीजिए, क्योंकि आप क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया, आप हमारे दया के सागर परमेश्वर है, हमारे दयावान परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया प्रभु जी यीशु राजा, हमें और विश्वास को मजबूत कीजिए ताकि प्रभु जी हर परिस्थिति में जब हम सताए जाएं, हमारी ताड़ना हो तो भी परमेश्वर प्रभु जी जो हमारा आपके ऊपर विश्वास है वो कभी टले ना प्रभु यीशु राजा। कोई भी शैतान की और दुष्ट की योजना, हमारा जो विश्वास आपके ऊपर उसे टलने ना दे, उसे डगमगाने ना दे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु हमारे हमारे अंदर मेल मिलाप का आत्मा है, हमारे अंदर विश्वास का आत्मा है, हमारे अंदर ईमानदारी का आत्मा है, हमारे अंदर वफादारी का आत्मा है। थैंक यू जीसस, हमें पवित्र बनाए, निष्कलंक बनाए प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, प्रभु यीशु सब कुछ आपके नाम से ब्लेस्ड ठहरे। आज एक एक जन जो इस समय प्रभु यीशु आपके साथ कनेक्टेड है, अपने सरों को झुकाए हुए आपके आगे प्रार्थना करें, हर एक जन ब्लेस्ड ठहरे। आज इनके रास्तों को मुबारक करना परमेश्वर, इनके बंद रास्तों आज आपकी सामर्थ्य से वो खोल दीजिए। थैंक यू जी, हर एक मुर्दा परिस्थिति आपके सामर्थ्य नाम से वो जीवित होने पाए, हर मुर्दा परिस्थिति आज यीशु के नाम से जीवित होने पाए। जितने लोग आपके घर से दूर चले गए, आपकी लाइफ से दूर के चले गए, प्रभु के सामर्थ्य और जीवित नाम में वो वापिस आने पाए। प्रभु यीशु का वचन कहता है, पवित्र बाइबल में लिखा है कि हमारे परमेश्वर के जो वचन है वो जीवित है। आज हमारे परमेश्वर का एक एक जीवित वचन कि परमेश्वर हमें कभी छोड़ेंगे नहीं, कभी त्यागेंगे नहीं, कभी धोखा नहीं देंगे, कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, कभी अनाथ नहीं छोड़ेंगे। हमारे जीवन में परमेश्वर सब कुछ भरपूरीता से देंगे। आज परमेश्वर के वचन हमारे जीवन में पूरा होने जा रहे, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर सच में जितने लोग आने वाली बड़ी मीटिंग्स के लिए परमेश्वर पाम संडे, गुड फ्राइडे, ईस्टर की मीटिंग के लिए अपने घरों से निकल रहे परमेश्वर, उनकी सहायता करें। हर रुकावट को दूर कीजिए, हर परेशानी को दूर कीजिए, हर तरह की परमेश्वर बीमारी से आजाद कीजिए, हर तरह की डिस्ट्रैक्शन जो इस समय दुष्ट ने डाली है परमेश्वर इनके आने में, जो आपने इनके जीवन में आशय रखी है और शैतान पिता परमेश्वर ने रोक रहा है, आज वो शैतान शर्मिंदा हो जाए, वो परमेश्वर शर्मिंदा हो जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हर एक रुकाव फाइनेंस आज ब्लेस्ड हो जाए। थैंक यू जीसस, जो परमेश्वर से दूर चले गए हैं, आज परमेश्वर का पहला प्रेम उनके जीवन में उतरने पाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को अपने स्वर्ग के भंडार से पूरा करे। परमेश्वर आपकी एक एक ज़रूरत को आज अपने स्वर्ग को भंडार खोले और पूरा करे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सुबह के समय में जितने लोग अपनी कमाई के हिस्से को, अपनी दान, अपनी भेंट को परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के भवन में बो रहे हैं, आज परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आज बीज बोने के जरिए आप आशीषित ठहरे, आज आप ब्लेस्ड ठहरे। परमेश्वर आपके मार्गों को खोले, परमेश्वर आपके लिए नए नए मार्ग तैयार करें। थैंक यू जी सर, धन्यवाद यीशु। प्रभु सारी प्रार्थना को सुनकर उतरते हैं, परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी अगर आज भी आपका आगमन हो तो हम सब उसमें महिमा में उठाई ले जाने के लिए आपके आगे निवेदन करते हैं। हम अपनी प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। हर एक जन कहे आमेन। आज की प्रार्थना को आप दूसरों के साथ शेयर करें।
चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि हर एक प्रार्थना सभा जो सुबह शाम की है, सुबह की प्रार्थना सुबह 3 बजे, शाम की शाम को 6 बजे, और जो प्रार्थना सभाएँ होती है चर्च भवन में हर शुक्रवार शनिवार दोपहर 12 बजे, हर रविवार सुबह 9 बजे, इन सब मीटिंग्स की और प्रार्थना सभा की आपको नोटिफिकेशन सबसे मिल पाए, इसलिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपके जीवन की हर शर्मिंदगी परमेश्वर आपके विश्वास से आज दूर करे, इसलिए कोई भी अपने घर पे नहीं रहेगा, आपने हर एक मीटिंग को अटेंड करना है। जो आने वाली बड़ी मीटिंग है इस संडे, कोई भी अपने घर में नहीं रहेगा, हर एक ने चर्च भवन में आना है, अपने अपने साथ खजूर की डालियों को लेकर के। जो पाम है उसमें आप सबको इनवाइट करते हैं 2 अप्रैल को, यानी कि इस रविवार, हर एक जनों ने आना है, किसी ने भी अपने घर पर नहीं रहना है। जो लोग आपके साथ आना चाहते हैं आपने उन्हें भी अपने साथ लेके आना है। और नेक्स्ट वीक की, आने वाले हफ्ते की जो मीटिंग्स हैं, शुक्रवार को 7 अप्रैल गुड फ्राइडे की मीटिंग के लिए और 9 अप्रैल ईस्टर की मीटिंग के लिए भी आप सबको इनवाइट करते हैं। आप सब ने अपने परिवार सहित आना है, अपने रिश्तेदारों को लेकर आना है, अपने दोस्तों को भी लेकर आए जो आपके साथ आना चाहते हैं, जिनके जीवन में आप परमेश्वर के कामों को, परमेश्वर की योजना को देखना चाहते हैं। विश्वास के सहित आपने आना है, ताकि परमेश्वर आपके विश्वास को देख करके, आपके विश्वास का आदर करके आपके जीवन में परमेश्वर बड़ी बड़ी और अद्भुत गवाहियों को दे। जो लोग प्रार्थना करवाना चाहते हैं आप प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवाएं। आपकी कोई इंक्वायरी है, जो आपने कुछ बताना या पूछना है तो भी आप प्रेयर सेंटर में कॉल करके बताएं। जो लोग अपनी गवाही को देना चाहते हैं, अपनी गवाही को देना नहीं भूलना है, अपनी गवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं और व्हाट्सएप के नंबर पर सेंड करें। जो लोग बैप्टिज़म लेना चाहते हैं आप अपने नाम जल्द से जल्द लिखवाएं। नेक्स्ट वीक बैप्टिज़म होंगे 6 अप्रैल को, और उसी दिन आपको बैप्टिज़म दिए जाएंगे। इसलिए हर एक ने मीटिंग के हर एक भाग का हिस्सा बनना है, टाइम पर सबने पहुँच जाना है। हालेलुया, आपके लिए रहने और खाने का इंतज़ाम भी है। और अपनी प्रार्थना में, अपनी पर्सनल प्रेयर में, इन सब आने वाली मीटिंग्स के लिए, सुबह शाम की प्रार्थना के लिए, शुक्रवार शनिवार रविवार की प्रार्थना सभा के लिए, पाम संडे गुड फ्राइडे ईस्टर की मीटिंग के लिए, जितने लोग बैप्टिज़म ले रहे हैं, अपने बैप्टिज़म लेना है अपने जीवन के लिए, लगातार प्रार्थना में प्रेयर पॉइंट्स के साथ बने रहें। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, अड़े और खड़े रहें। आप सभी को जय मसीह के। हालेलुया।